क्या विंटर के मौसम या बारिश के मौसम में आपके कपड़ों जूतों बैग्स में फंगस लग जाती है या अजीब सी स्मेल आती है तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोडक्ट का जो आपके बहुत काम आएगा नाम है इसका कॉम्पैक्ट मॉइस्चर एब्जॉर्बर आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो डब्बा ये मैंने दो महीने बाद अपनी अलमीरा में से निकाला है और जितना भी मॉइस्चर दो महीने तक मेरी अलमीरा के अंदर था जिसकी वजह से मेरे कपड़ों बैग्स और यू नो अदर चीज़ों में फंगस लग जाती थी वो इस बार नहीं लगी ये जो पानी आप देख रहे हो डब्बे में नीचे कलेक्ट हुआ है एक्चुअली ये वेदर में हवा में प्रेजेंट है बट ये डब्बा जब आप अपने यू नो अलमेराज में रख देते हो अपने रूम में रख देते हो तो एयर में जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब करके नीचे कलेक्ट कर देता है बॉक्स में और आपकी चीज़ें चाहे वो कपड़े हों चाहे रज़ाइयाँ हों चाहे बैग्स हों चाहे शूज़ हों चाहे बुक्स हों आपकी वो सारे के सारे ड्राई रहते हैं इस तरीके से ये अमेज़ॉन पे आता है तीन पैक्स का एक तीन डब्बों का एक पैक आता है फ्रेश कैन इसका नाम है कॉम्पैक्ट मॉइस्चर एब्जॉर्बर कैल्शियम क्लोराइड है इसके अंदर इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है थ्री फिफ्टी रुपीज़ में तीन कैन आते हैं ऑलमोस्ट वन फिफ्टी रुपीज़ का एक कैन है जो दो महीने चलेगा आ, मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर ऐसे शहरों में आप रहते हो जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है या डायरेक्ट धूप नहीं आती है आपके घर में या जैसे कि मैं रहती हूँ बैंगलोर या पुणे जैसे शहरों में जहाँ वेदर ही ऐसा है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ आप इसे 100% परसेंट यूज़ करें अपने घरों में सिंपल सा प्रोसेस है ये नेट वाला ऊपर का जो लिड था उसको उतार दो और उसके अंदर जो सिल्वर फॉइल लगी है उसको भी आप उतार दो वापस से नेट वाला जो लिड है उसको लगा दो और बस अब आप इसको अपनी अलमीराज़ में रख दो आप इसे एज अ रूम फ्रेशनर भी रूम में भी रख सकते हो ये रोज़ फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट थी ये दो महीने के बाद दिखा रही हूँ मैंने अपनी अपने हस्बैंड और मेरे बेबी के अलमीराज में ये तीनों डब्बे रखे थे कैसे ये पानी से बिल्कुल भर चुके हैं और एक बॉक्स ना मेरे से फटते टाइम गलत फट गया था तो यहाँ से आप स्ट्रिप देख सकते हो उसकी ये वाली वाइट वाली उतर गई थी बट एटलीस्ट यू कैन सी द इनसाइड ये वाइट छोटी छोटी वाइट बॉल्स होती हैं कैल्शियम क्लोराइड की जो मॉइस्चर सारा एयर से एब्जॉर्ब करके उसे पानी में कन्वर्ट करके इस डब्बे में नीचे कलेक्ट कर देती हैं तो जो आपकी चीज़ें हैं ना अलमीराज में रखी हैं या रूम में रखी हैं या शू रैक में शूज़ रखे हैं वो सारे ड्राई रहते हैं उनमें फंगस नहीं रहती उनमें वो सीली सीली गंदी सी स्मेल नहीं आती और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं प्रमोट कर रही हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसे चाहे खरीदो चाहे ना खरीदो बट हाँ ये आपके बहुत काम आएगी इसकी गारंटी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ और तीन चार और फ्रेगरेंस में भी अवेलेबल है ये इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा आपके जो घर की आपकी अलमीरा की आपकी चीज़ों की जो अपेयरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर देगा यहाँ मैं दिखा रही हूँ डब्बे के नीचे इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में भी जम गया था इसके ऊपर पूरा पानी कलेक्ट हो गया था सिंपल ऐसे अलमीरा में रख दो कहीं भी ऐसी जगह रखो जहाँ छोटे बच्चे इसको एक्सेस ना कर पाएँ बिकॉज इट्स इट्स इस केमिकल उनके हाथ में नहीं आना चाहिए और आप दो महीने तक अब आप भूल जाओ जब भी अलमारी खोलोगे इतनी अच्छी मस्त मस्त सी खुशबू आने वाली है ना आपको रूम भी इतना ज़्यादा फ्रेगरेंट हो जाता है यहाँ दो महीने के बाद मैं आपको बॉक्स एकदम सामने खोल के दिखा रही हूँ ऊपर से ये वाइट वाला लिड भी मैंने उतार दिया है इसके ऊपर भी वाटर की ड्रॉपलेट्स थोड़ी थोड़ी आ गई थी और अंदर से अभी आप देखोगे तो इस तरीके से जो वाइट वाली बॉल्स थी सारी की सारी मेल्ट होकर एब्जॉर्ब होकर पानी में कन्वर्ट हो गई क्योंकि एयर में मॉइस्चर था लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हो तब तक टेक देखे गाइस सेल्फ बाय